हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम यह ब्लेस हो जाए। सारी चिंता परेशानी दुख समस्याएं निराशापन दूर हो जाए। इनके बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, इमार चंगे हो जाए, घरों में सुख और शांति आने पाए, जॉब की ब्लेसिंग और बच्चे की आशीषें मिलने पाए, और हर एक चिंता परेशानियों से आजाद हो जाए। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीषों से भर रहा है। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। भजन 125 अध्याय के उसके पहले वचन को, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमेन। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो टलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो पीछे हटेगा नहीं, बल्कि आगे वह बढ़ता चला जाएगा और परमेश्वर सदा उसे बनाए रखेगा। हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु हमें इसमें फलवंत करने जा रहा है, हमारे सारे कामों को सफल करने जा रहा है, हमारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है, हमारी चिंता और परेशानियों से हमें निकालने जा रहा है। उसने कहा संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाएं, और जब भरोसा और विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सदा बने रहेंगे। जब तक उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन को जिएंगे, हम ब्लेसिंग और आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। आशीष पाना है तो भरोसा रखना होगा उसके ऊपर। जब तुम भरोसा करोगे तभी तो आशीषों को पाओगे। तो हम भरोसा करने वाले हो जाएं, आशीषें हमें मिलती चली जाए। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आए अपने हाथों को उठाएं, अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यस मेरे पियो, जो उस पर भरोसा रखेगा वो सदा बना रहेगा। यस हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं यह समय के लिए, दिन भर कार्य मगवाई की आने जाने में सहायता किया पिता, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुंदर समय को दिया पिता अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा पिता हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, सारी चिंता सारी परेशानी सारे बोझों से आजादी मिलने पाए पिता, हर एक मार्ग खुलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए और दुख निराशा पन के जीवन से दूर हो जाए पिता। आज के समय पिता अभी पिता ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। बीमारियां चाहे छोटी हो बड़ी हो नई हो पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से मैं इन्हें आजादी की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए इस समय। आए मेरे प्यो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जिंदा खुदा हमारे संग संग है। बीमारियां चाहे छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, बीमारी की जंजीरों से आपको छुड़ाएगा, आपको निकालेगा बाहर इसी समय पिता। ये चंगे हो जाए, ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई इनके शरीरों में उतरने पाए स्वर्ग से। क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग क्या नौजवान, हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, रसोलिया बाहर जाए, पथरिया बाहर जाए, गांठे बाहर जाए, वो गांठे यीशु के नाम में गल जाए, धुएं के समान उड़ जाए यीशु के नाम में। करे विश्वास करे स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा है, हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको निकाल रहा है, हर एक दर्द से छुटकारा मिलने पाए। जो दर्द इनके शरीर में कार्य कर रही है पिता, उस दर्द से ये आजाद होने पाए आपके नाम से। हम इन्हें चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं, हर एक बीमारी हर एक दर्द यीशु के नाम में गायब हो जाए, हर एक बीमारियों के बंधन से आजाद हो जाए, रसोली पत्री गिल्टिया गांठ यीशु के नाम में बाहर जाए, बीपी सूख और नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द नसों का दर्द बैक पेन टखनों का दर्द यीशु के नाम में गायब हो जाए। जो कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर में है वो शरीर का दर्द इनके शरीर से गायब हो जाए,
यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए। पिता आपके नाम से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। विश्वास करें, विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सीफा चंगाई दे रहा है। हर प्रकार की बीमारी, हर एक दर्द से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव के, शहर, किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और सीफा देने जा रहा है। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, नया बल, नया शक्ति प्राप्त करते जाओगे यीशु के नाम में। अगर तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष के रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। पिता हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। अपनी आंसुओं से भर दीजिए, अपनी चंगाई से भर दीजिए, अपनी ब्लेसिंग से भर दीजिए। ओ रे सिखरे भी हर एक रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, जो एडमिट है पिता हॉस्पिटल में वहां से आजाद होकर घर को आकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। ओ रीमा रामा सीका राबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। भरोसा रखना उस परमेश्वर पर जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी अगुवाई करेगा, आगे भी पहुँचाएगा। हर एक मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से, हर एक समस्याओं से परमेश्वर आपको निकालेगा, 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 निकालेगा। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, वो निकालने जा रहा है, वो निकालने जा रहा है। हर एक परेशानियों से, हर एक कष्टों से, हर एक समस्याओं से तुझे आजाद करने जा रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। हर एक परेशानियां बाहर जाए, हर एक चिंताएं बाहर जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। जो इनके जीवन के बंधन बंद है पिता, वो जो पिता जीवन के मार्ग बंद है वो मार्ग खुल जाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की ना, छोटी बड़ी नई पुरानी सब बाहर जाए और हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। और पिता थाइड की बीमारियां बाहर जाए, झुंझुनी कम पर मिर्गी झटके बीमारियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। इसी समय ये सिफा पाने पाए, ये चंगाई पाने पाए और हर एक दर्द बीमारी के बंधन से ये आजाद हो जाए। पिता आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ रेस शेखर रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, जो एडमिट है हॉस्पिटल में वहां से आजाद होकर घर को आकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चरिए, जिस स्थान में चरिए, वहां उद्धार की बारिश होने पाए, वहां छुटकारे की बारिश होने पाए। हर एक बीमारी और हर एक के दर्द से ये भाई बहन आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। विश्वास करें मेरे पियो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। आपकी बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आपके शरीर से बीमारियां निकल रही है, अद्भुत चंगाई आपके शरीरों में प्रकट हो रहा है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर देख रहे, किसी गांव के, शहर, किसी कस्बे में, अगर तू विश्वास के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहा है, देख रही है, तो परमेश्वर तुझे आशीष और चंगाई दे रहा है। अद्भुत चंगाई तेरे शरीरों में प्रकट होने जा रहा है। ओ रीमा रा सीखा राबा, इसी समय ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, पथरियां बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, गांठे बाहर जाए, खून की कमियां दूर होने पाए। टीबी के रोगी चंगे हो जाए, पायलस के रोगी चंगे हो जाए, लकवे के रोगी चंगे हो जाए, और जो छोटे बच्चे बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए, सुन नहीं पा रहे, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए और ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। पिता आपने सिफा दिया, चंगाई दिया, हर प्रकार की बीमारी और दर्दों से आपने इन्हें आजाद कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक दुखों का अंत हो जाए, हर एक परेशानियों का अंत हो जाए, हर एक निराशापन के जीवन से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, इनकी परेशानियां बाहर जाए, बीमार है चंगे हो जाए, जीवन के बंधन टूटने पाए, घरों में सुख शांति आने पाए, जॉब की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीषें मिलने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। पिता जो कर्ज में है वो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जाले फटने पाए और हर एक कर्ज के बंधन से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। इनकी मेहनती कमाई जहाँ फंसा है
जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में इनका पैसा जहां रुका है पिता, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, जहां पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिता, इनकी मेहनती कमाई मिल जाए आपके नाम से, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। रुका हुआ कमाई मिलने पाए, रुका हुआ पैसा मिलने पाए, ब्लेसिंग मिलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ओ मारा सीखा राबा यीशु के नाम में अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए, अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए और इनकी मेहनती कमाई मिल जाए पिता परमेश्वर। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता, अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। जो बीमारी है पिता इनके जीवन में, जो बंधन है, जो प्लेग मजी काला जादू पिता इनके जीवन में फेंका गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता और आपके नाम से मैं इन्हें आशीष करता हूँ पिता। अपनी आंसुओं से भर दीजिए, अपनी ब्लेसिंग से भर दीजिए और हर प्रकार की हमारी चिंता परेशानियों से आप इन्हें आजाद कीजिए और सारे जंजीरें टूटने पाए। आप इन्हें पिता बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना किए हैं विश्वास के साथ क्लेम करें। ओ धीरज रखें, संयम रखें, भरोसा रखें और उसके पीछे चलते रहे, पापों से गुनाहों से फिर यीशु मसीह के पास आए, वो आपको अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष हो जाए, ये फलवंत हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। करते पिता उन सारे भाई बहनों के जो नौकरी के लिए प्रार्थना करवाएं, इंटरव्यू दिला के थक चुके हैं पिता, हर जगह थके मांदे ये आए हैं और प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, इनका निराशापन दूर हो जाए, इनका थकावटपन दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी आ जाए, एक उमंग आ जाए पिता, क्योंकि आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। योग्यता से पढ़कर मांगने से अधिक आप इन्हें जॉब की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ऊंचे पदों पर बैठाए जाए, ऊंचे स्थानों पर बैठाए जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो पिता ज्वाइंट नहीं मिल पाया, मिलने पाए, इनका पिता पद, इनका कद ऊंचा किया जाए, इनका प्रमोशन होने पाए और पिता इनकी श्रेणी बढ़ोतरी होने पाए। जो ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया उनका ट्रांसफर हो जाए पिता, कोर्ट कचहरी छुटकारा मिलने पाए, जॉब संबंधी कोई भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं आपके नाम से दूर हो जाए, मिरेकल हो जाए, अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए आपके नाम से और अपनी आंसुओं से भर दीजिए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते रीमा रा सीखा राबा यीशु के नाम ये फलवंत हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं, हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। जो इस समय पिता समस्याओं में, परेशानियों में, चिंताओं में है, दुखों में है पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, वो समस्या, वो परेशानी, वो दुख, वो दर्द इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। घर के हालात बदल जाए, घर की परिस्थितियां बदल जाए, घर की समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, इनके हालात बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। हर एक को अपनी आंसुओं से भर दीजिए, हर एक को अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर। इनके घरों में किसी प्रकार का बंधन है, वो बंधन टूट जाए, ब्लैक में काला जादू का बंधन नाश हो जाए पिता और इनका घर स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, हर एक दुखों से, परेशानियों, चिंताओं से इनके घरों में पिता ओ प्रभु जी आजादी मिलने पाए और हर एक निराशापन दूर हो जाए, घरों में आनंद की भरपूरी आने पाए पिता परमेश्वर। मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, किसी प्रकार का बंधन टूटने पाए, चिंता करने वाली बातें बाहर जाए, समस्याएं बाहर जाए, इनके बिगड़े हालात बदल जाए, बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाए और इनके जीवन में सुख और शांति की बारिश होने पाए और आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। आज से आप इनके घरों में, इनके जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट कर दिया, इनके बंधनों को तोड़ दिया, इनकी चिंता परेशानियों से आपने इन्हें आजाद कर दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं पिता। इनके बिगड़े हुए काम बन जाए, बिगड़े हुए काम बन जाए, रुका हुआ काम शुरू हो जाए, घर बनने में सहायता करें। जो आधा अधूरा घर बनना है पिता, इनको घर बनने में सहायता करें, मदद करें और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। रुकावट के बधाएं सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, ये फलवंत हो जाए, ये आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। घरों में सुख और शांति की बारिश होने पाए, घरों में आशीष की बारिश होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, अपनी बड़ी आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता। सारी चिंता परेशानी दुख निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। ओ मारा सीखा राबा विश्वास करे, विश्वास करे, घरों में आशीष आ रही है, सुख और शांति आ रही है, मेल मिलाप की आत्मा आ रही है,
और रे सिख रे वे जो रिश्ते बिगड़ चुके बन रहे हैं, जो वे रिश्ते जुड़ रहे हैं, ओ हो रे सिख रे वे आज तलाक वाली बात के जो कोर्ट कचहरी पहुंची है उन तलाक वाली बातों को परमेश्वर कैंसिल कर रहा है और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। सारे बंद दरवाजे खुल जाए, सारे बंधन टूट जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, तो वे रिश्ते जुड़ जाए और सुख और शांति की बारिश इनके जीवन में होने पाए। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। अपनी आंसुओं से भर दीजिए, अपनी चंगाई से भर दीजिए, उन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए, इनके बंधन को तोड़ दीजिए, इनके रास्ते को खोल दीजिए पिता, और हर एक दुखों का इनके जीवन में अंत हो जाए पिता परमेश्वर। सारे बंद दरवाजे खुल जाए और पिता मैं मिलाप की आत्मा आ जाए, मन मुटाव दूर होने पाए और सुख और शांति आ जाए पिता इनके घरों में। अंधकार की आत्माओं से, नस्य की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से ये आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। हर एक अंधकार की आत्मा, नस्य की आत्मा, बुरी आत्मा इनके जीवन से बाहर जाए, विचार की आत्माओं से टाइम मिलने पाए और घरों में पिता आशीष की बारिश होने पाए, हर एक घुटना टिकने पाए, जीवन की कार्य करने पाए और कहने पाए शु हे प्रभु है ऐसे आशीष आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। और इमारा सीखा राबा आमेन आमेन। जिनका पिता सालगिरह पर ठड़े हैं मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिनका आज प्रभु जी जन्मदिन है पिता, साल भर संभाला पिता और एक नया साल दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये नया साल नई आंसुओं से भर जाए, ये नया साल आप में आगे बढ़ने का साल होने पाए, हर एक बंद दरवाजा खुल जाए, सारे बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए और इस नए साल में ये आशीष हो जाए पिता। पूरे साल भर पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, सुरक्षाओं से भरपूर रखिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। छोटे बच्चे बलबुद्धि ज्ञान से भरपूर कीजिए, जिनका सालगिरह है उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला, एक नया साल दिया, धन्यवाद करते हैं। ये नया साल नई आंसुओं से भरते जाए, नए साल में यह ब्लेसिंग हो जाए और आपकी महिमा इस नए साल में इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, इस नए साल में आशीषों से भरपूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, सारे बंधनों को तोड़ दिया, चिंता परेशानियों से आपने आजाद किया इन्हें और हर एक रास्ते को आपने खोल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम से फलवंत हो जाए, आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ पिता जो केक काटेंगे उस केक के ऊपर आपकी आशीष आने पाए, ये नया साल इनके इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए पिता। जो दुखों में परेशानी समस्याओं में घिरे हैं उस सबों से छुटकारा मिलने पाए, ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल हूँ बाणे बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, वहाँ चिंता परेशानियों छुटकारा मिलने पाए और आशीष धरा के समान बह के आने पाए पिता। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दांत उसमें डाले हैं, इन सबों को मैं ब्लेस करता हूँ, इन सबों को मैं आशीष करता हूँ, इनके खत्तों को भरपूर कीजिए पिता और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। जितना बीज बोया उसका 100 गुना ये कटनी काटने जा रहे हैं आपके नाम से, हम धन्यवाद कटनी के काज हो खोल करें, अप्रमाशीष की वर्षा आपने कर दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए, ये फलवंत हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग से आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। रात में बुरे सपनों से बचाए रखे, सुखनायन दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, आमीन। हम इस प्रार्थना को विश्वास के साथ देखें और बड़े विश्वास के साथ हमें प्रार्थनाओं को रिसीव करें, क्लेम करें, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इस प्रयोग को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।